नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर महानगर में धूमधाम से मनाया गया दशहरा पर्व दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया रावण दहन। अमृतसर देहात पुलिस ने गत माह निजी बैंक में लाखों रुपए की लूट करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 32 बोर की पिस्तौल की बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियारों समेत किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। बलटन पार्क दशहरा कमेटी मंदिर नौहरिया की ओर से बलटन पार्क में दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आतिशबाजों ने आतिशबाजी कर सबका मन मोह लिया। वहीं भगवान श्री राम और रावण के युद्ध का मंचन किया गया, जिसमें भगवान राम की विजय पर जय श्री राम के उद्घोष से पूरा पंडाल गुंजायमान हो उठा, जिसके पश्चात दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, जिलाधीश हिमांशु अग्रवाल, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर के प्रधान विपिन सभरवाल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को अग्नि भेंट कर बदी पर नेकी की जीत की सबको बधाई दी। इस मौके पर कमेटी प्रधान नंदलाल शर्मा, सचिव चेतन हांडा, कमेटी सदस्य अजय शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान कमेटी सदस्यों की ओर से आए हुए गणमान्यों को स्मृति चिन्ह और मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोजिया और सुदेश भगत की रिपोर्ट। और मैंने का हुक्म है कि कोई तकलीफ हो, किसी चीज की भेंट हो, मेरे को वहां मैं गंगा तेरे नाल है, मैं अपने भरा का भला वाली है हमेशा वाली रहूंगा। जय श्री राम। सदे संस्थापक नरोत्तम जी और लेट सदी पूजनीय महान संपत्ति देवी जी की याद दशहरे का परंपरा जो चालू की नंद लाल शर्मा जी ने, प्रधान जी ने इस परंपरा में बद चढ़ के और पिछले सालों नालों भी बहुत सुचित्र ढंग नभाया। अपनी जिम्मेदारी में मैं उन्होंने चेतन जी का सारे मैंबर का समूह मैंबर का बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और आज के दिन से सारे कमेटी मैंबर और आए हुए दर्शकों सबको बधाई भी देना और भगवान राम जी के अगर अरदास करना कि इन्हें सारियां चढ़ती गलों से रखी इन्होंने सिर पर मेहर कर लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। विपिन सभरवाल जी प्रधान, वाल्मीकि उत्सव कमेटी पंजाब के प्रधान ने उन्होंने ध्यान से बहुत बहुत स्वागत है। कल भी उन्होंने इतना बड़ा बुलाना किया, 600-700 बस और गड्डिया लैके अमृतसर के धाम के दर्शन करवाए लोगों को और ये बड़ा छोटा काम है। मैं इन्होंने बहुत धन्यवाद कि इतनी लोग सेवा कर रहे हैं और महाराणी उन्होंने सिर से मेहर भरिया करके। जय श्री राम। नंदलाल जी तू आज्ञा कौन दे सकता है, जो प्रधान और चेतन बैठा है अभी स्कूल में, मैं कहूँगा कि तुसी अपना लै के भूपन जी को उत्थे जाके भगवान राम जी का जरा काम है वो करो, तो भगवान राम जी थोड़ी पर कृपा करो। जय श्री राम। दशहरे का आयोजन हो रहा, ये नंद लाल जी, चेतन हांडा जी, उन्होंने साथी सारे हर साल करते हैं। इस तरह मेरे तो पहला दसिया कि 140 साल हो गए, 46 साल, सो 150 साल है
और मेरी याद है कि असी छोटे छोटे अपने पिता जी के नाल इत्थे आते रहे उदों बल्टन पार्क इको होंदा सी दुशहरा होर जलंधर च दुशहरा नहीं होंदा सी हुण तां महला महला गली गली दुशहरा होंदा हुण तां छोटे छोटे रावण भी हैगे आ बचपन वाले क्यों जी बचपन के छोटे रावण वह भी मिलते हैं तो तुम ये देखो कि इतने पूरा शहर ढुकता होंदा सी आज मैनू बहुत खुशी हो रही है कि श्री राम लीला कमेटी बाजार नहोरिया 146वां जो ये परम मनाम जा रहे हैं उस उपलक्ष्य दे विच मेरे पिता समान श्री नंद लाल शर्मा जी जो पिछले काफी सालों तो इस सेवा नू निभा रहे ने प्रभु श्री राम के चरणा च बेनती है कि यह परिवार इसे तरह ही खुशियां माने अपने जीवन दे विच सारिया उमंगा लेके जीवे मेरे नाल मेरे बहुत ही सत्कार योग महान डॉक्टर उन्हां दे बेटा हेमंत और इन्हां दे प्यार सदका सारा ही अधिकार हो रहा मेरा छोटा वीर चेतन हांडा जिन्हें इसे साल ही शक्ति पाता लिता है और ये भी एक सेवा दे विच रूप दे विच सारी टीम काम कर रही है मैं अपने लो अपने परिवार लो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता मेरे नाल आए मेरे वीर राजकुमार मदान जी महेश मखीजा जी अनुकरण आनंद जी और पूरी समुची टीम आज इस पर्व पे आके अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है मैं अपने वालों अपने परिवार वालों सारी संगत आई करी बहुत बहुत धन्यवाद करता बोल सियावर रामचंद्र महाराज की रामलीला कमेटी जेडे प्रबंधक ने उन्होंने बहुत बहुत बधाई देता है कि दशहरे के उत्सव से जिन्हें भी नी जनता आई हुई है जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं जितने भी यहाँ पे मेरे भाई बंधु आए हुए हैं उनको और बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतने अच्छे प्रबंधों के साथ लोगों को ये त्योहार बनाने का आपने मौका ये अवसर प्रदान किया है इतनी सदियों से इतने सालों से ये जो त्यौहार हम मना रहे हैं पूरे विश्व में मनाया जाता है नेकी की बदी के ऊपर जो जीत का एक प्रतीक दशहरे का त्यौहार हम मनाते हैं हमारे ग्रंथों में अमृतसर देहात पुलिस को गलत तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गत दिनों मजीठा के गांव गोपालपुरा में एक निजी बैंक के बीच लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहात चरणजीत सिंह सोहल ने बताया कि इस लूट को 5 नौजवानों द्वारा अंजाम दिया गया था जिसमें 25,70,000 रुपए की लूट की गई थी उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान कश्मीर सिंह निवासी तरनतारन के रूप में हुई है और आरोपी को गत दिवस गांव मंड के नजदीक फायरिंग के दौरान काबू किया गया है उन्होंने बताया कि आरोपी के पास में से 32 बोर की पिस्तौल भी बरामद हुई है फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट सब तो पहला था अमृतसर देहाती पुलिस के एसएसपी ऑफिस पहुंचन ते आप सब का स्वागत है दुशहरे दी बहुत बहुत मुबारक सारे अमृतसर देहाती पुलिस वालों एक वड्डी जड़ी है वारदात है वो ट्रेस की गई है इनफैक्ट ये जी वारदात है जी 18 सितंबर 2024 को गोपालपुरा पिंड जिथे एक HDFC बैंक डकैती हुई सी जे दोषी ने वो आइडेंटिफाई हो गए सन तो कल उन्होंने जोड़ा है एक की जी है गिरफ्तारी हुई है क्योंकि ये सारे ज सारी जरा यह वारदात है जदों ये हुई है 18 सितंबर को उस तो बाद अमृतसर देहाती पुलिस वालों जड़िया वक्ो वक्री टीम जड़िया इस वारदात को ट्रेस करने लई काम कर रही सन जिस दे विच SHO कत्थू नंगल उन्हां दी अपनी टीम तो CIA अमृतसर देहाती पुलिस उन्हां दी टीमां जड़िया है उचेचे तौर पर जड़िया है इस नूं लीड कर रही सन आफ्टर दिस इंसीडेंट ये टीमां वल्लों तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब जिहड़ी है डिस्टेंस है इहदे कैमरे है वह चैक किए गए ने दोनों बैकवर्ड ते फॉरवर्ड जिहड़े हैं डायरेक्शनस ते सानू काफ़ी जिहड़ियां वाइटल लीड्स भी मिलियां सी किते किते जाके साडे जिहड़े हैगे आ
ब्लैक स्पॉट्स कह लो ब्लाइंड जिहड़ा हैगा वह आ जाता सी ते सानू फिर दोबारा उत्थे वर्क करना पैंदा सी किते जाके मोड़ ते चार मोड़ आ जांदे आ मेन रोड ते जाके इस तरीके नाल सानू काफ़ी जिहड़ा इहदे च जिहड़ा हार्डवर्क करना पिया ते इसे हार्डवर्क का नतीजा है कि असी जिहड़ा है इस केस नू ट्रेस करन दे विच कामयाब होए हां। इस पूरे जिहड़ी वारदात नू अंजाम देण वाले जिहड़े पंज व्यक्ति सन दो मोटरसाइकल्स ते आए सन और जिवें कि तुहाडे नाल नाम भी शेयर किए गए हैं इहदे विच बलदेव सिंह एलियास हरमन जो कि नानकसर मोहल्ला तरन तारण का रहने वाला है जिहड़ा दूजा दोषी सी कन्नू करनवीर सिंह कन्नू जिहड़ा है ये भी जिहड़ा तरन तारण का रिहायशी है शीरू ये भी एक तरन तारण का रिहायशी है इसका पूरा नाम कश्मीर सिंह एलियास शीरू है। इस तों अलावा इन्हों का एक सहयोगी सी शरणवीर जो कि अजे इस इन्हों की गिरफ्तारी बाकी है। इस तों अलावा जिहड़ा है ये इत्थे दसण योग है कि ये जो ग्रुप सी बेसिकली वारदात करने वाला ये दो हिस्सों च वंडिया होया सी ते ओ पंजां दी जिहड़ी हैगी है आइडेंटिफिकेशन है वह हो चुकी है। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कमिश्नर स्वप्न शर्मा की अगुवाई में एक व्यक्ति को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि DIPS पब्लिक स्कूल मकसूदा जालंधर के सूरानुसी के पास चेकिंग के दौरान कमिश्नरेट पुलिस ने रेलवे क्रॉसिंग की दिशा से आ रहे एक व्यक्ति को देखा। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और गहराई से जांच की। पकड़े गए युवक की पहचान दीपक निवासी बचिंत नगर जालंधर के रूप में हुई है। चेकिंग के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 1 में असला एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। स्वप्न शर्मा ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। साढ़े मानयोग CP साहब श्री स्वप्न शर्मा JPS उन्होंने डायरेक्शन के उत्ते जो ट्रैवल एजेंट लोगों भोले भले लोगों जो ठगी मारते हैं उन्होंने खिलाफ़ चल रही मुहिम तहत असी जोड़ा है सनी गुजराल अरैसट किया वा जिसे पहले भी एक मामला जोड़ा वो दर्ज हैगा वा मॉडलटाउन थाने जिद को लाइसेंस नहीं कुछ जो पासपोर्ट मिले 13 इमीग्रेसन एक्ट भी जोड़ा उत्ते लगा वा और मुकदमा 203 नंबर है सदर थाने का जिद एक पुश गोयल नाँ का आदमी सेगा जिद को जल्दी डिग्रियां मिली सगिया स्टैंप्स मिलिया सगिया होर बड़ा समान जो बरामद होया बंदा नॉमीनेट से सनी गुजराल और जरा करके कल अरैसट पाई गई है अजू पेश अदालत किया जाएगा तो जिहड़े होर भी ट्रैवल एजेंट है जिहड़े काफ़ी बंदे जिहड़े आ सामने आए हैं उन्होंने भी जल्दी जिहड़ी आ रेड करके कार्रवाई करांगे तो उन्होंने भी इस लाख के पिछले। जालंधर के DGP अर्पित शुक्ला ने त्योहारों के सीजन से पहले शहर में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया और इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि जालंधर पुलिस द्वारा पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। DGP ने पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा के साथ मॉडल टाउन बस्ती बाबाखेल भार्गव कैंप मॉडल हाउस आदर्श नगर और शहर के अन्य इलाकों का दौरा कर त्योहारों से पहले सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया। DGP ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर सख्त चौकसी बनाए रखने के लिए 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। अर्पित शुक्ला ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा का एकमात्र उद्देश्य सुरक्षा प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाना है। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि शहर में पहले ही पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जा चुके हैं और समारोहों के दौरान किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब भर के जिवें तुहानू पता है कि फेस्टिव सीजन है हुण दशहरा आ रहा है दशहरे के नाल साढ़े पंचायत इलेक्शनस हैं उसके बाद वाल्मीकि जी का महोत्सव है सो इन सारिया के मद्देनज़र सारे पंजाब दे विच एक रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। सीनियर ऑफिसर्स को हिदायत की है कि वो आप फील्ड दे विच उतर के और जिहड़े साडे प्रिवेंटिव मेजर्स है उन्होंने लैन इस दे तहत अज पंजाब दे विच लगभग 600 नाका असी स्पेशल नाके लाए हैं जिस दे राही असी शक्की व्यक्तियों की चैकिंग कर रहे हैं और जिन्हें साडे संवेदनशील इलाके हैं जिन्हें साडे क्राउडेड प्लेसिस ने उन्होंने असी मुहिम ये चलाई हुई है चैकिंग सो इसे नू चेक करने और अफसर के नाल एक विचार वटांदरा करने
और जिहड़े सुरक्षा प्रबंध है उसकी समीक्षा करने अज मैं इत्थे आया। स्पैशल गाइडलाइंस भी जारी हुई ने जी साढ़े एक स्पैशल ऑपरेशन जिस तरह मैं तुहानू कहा कि जिहड़ा हुण तो लैके दिवाली तक बहुत सारे त्यौहार ने बहुत सारे फैसटिवल्स ने इलैक्शन भी विच ही ने सो इन्हां दे मद्देनज़र असी स्पैशल ऑपरेशन प्लान बनाया है ताकि लोग सुरक्षित रहन और जिहड़े क्रिमिनल्स हैं उन्होंने शिकंजा कसया जा सके। अधर्म पर धर्म की हुई जीत, अन्याय पर न्याय की विजय के साथ एक बार फिर से असत्य पर सत्य की जीत हुई। जय श्री राम के उद्घोष के साथ साथ आतिशबाजी की चमक के बीच बुराई की छाया का अंत हो गया। ये छाया रावण रूपी पुतले के रूप में नवयुक्त मंडल रामलीला कमेटी सोढल रोड की तरफ से रामलीला ग्राउंड सोढल रोड में मनाए गए दशहरा पर्व पर जलकर खाक हो गई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। श्री विज ने श्री राम भक्तों को बधाई देते हुए कहा कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन चरित्र त्याग का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमें दशहरा पर्व मनाने का लाभ है। इससे पहले विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई जो कि इलाके की परिक्रमा कर रामलीला ग्राउंड सोढल रोड में पहुंची, जहां पर राम की सेना में हुए युद्ध ने भी दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस दौरान आतिशबाजी के मुकाबले ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के प्रधान सुखविंदर कालिया बिट्टू, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, विक्की शर्मा, बिन्नी छापड़ा, गौरव कन्नौजिया, अश्वनी सिंगला, सन्नी महाजन, रिंकू भगत, सूरज मेहरा, केवल गोस्वामी, सभी सदस्य एवं कलाकार भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अच्छाई की झूठ के उपर सच की जी जित है अज विजय दशमी का पावन त्यौहार भगवान श्री राम जी ने आशीर्वाद के नाल अज पूरी कमेटी श्री सीता देवी का सम्मान कर रहा नवयुक्त मंडल रामलीला कमेटी जो कि सारे ही मैंबरान इतने पिछले कई दिनों को इस बधाई के पात्र है और मैं श्री सिख शक्ति श्री सीता देवी जी ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਔਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਤਾ ਮਿਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਵੱਲੋਂ अगले हफ्ते 18, 19 और 20 तरीक को पूरा नॉर्थ के विश्व प्रसिद्ध ऑटो एक्सपो जिसे पूरे पंजाब हरियाणा हिमाचल दी। अहंकार और बुराई के नाश का प्रतीक पर्व विजयदशमी जालंधर वासियों की तरफ से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के तहत श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के समक्ष दशहरा ग्राउंड मॉडल हाउस में भी दशहरा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक मोहिंद्र भगत, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, युवा आप नेता रोबिन सांपला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रावण दहन करने की रस्म अदा की और सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी, जिसके पश्चात मंदिर कमेटी सदस्यों ने आए हुए गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान दिनेश शर्मा, मेजर सिंह सहित रमन शर्मा, सौरभ शर्मा सहित असंख्य राम भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और नवीन की रिपोर्ट। जिसकी बहादुरी न तमाम आलम सिद्ध का मानता है और जिसके नाम को हर छोटा और बड़ा अच्छी तरह जानता है, जिस तरफ भर गया मैं उदार मिटाता छोड़ा, चुनौतियां खुद किया खाक में मिलाकर छोड़ा, बस नहीं चलता मेरे आगे
किसी भी इंसान का मेरा दोनों पैरा जय का हुक्म चलता है मेरा अविनाश के ऊपर पूजा नाराजगी मेरी पर्वत कैलाश के ऊपर पंच गंगा का जल होगा मेरे ही चरण धोने में लंकेश का धंधा बनता दुनिया के कोने कोने में लंका से हूं मैं आया रावण है नाम मेरा शिव चुनता उठाना है मामूली काम मेरा कर लेंगे अगर ये शेखर हर काम को तो दुनिया में चाहने का तो रावण के नाम को नाम को नाम को अपने अज के समागम के आते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन्हों का आशीर्वाद पूरा सारे शहर में सोसाइटी बनिया मंदिर कमेटी के लिए सुनिया रहे शीतल बची का इतने पूजन के शुरुआत देने सारी सोसायटी को बहुत बहुत धन्यवाद करता और उम्मीद करता कि इन्हों का आशीर्वाद सदा साढ़े साढ़े बच्चे उत्ते जी रामलीला कमेटी है दशहरा कमेटी है सारा श्री लक्ष्मी मंदिर सोसायटी है वो उत्ते बनया रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया शीतल बची का और इन्होंने सारे सहयोगियों का जिन्हें नाम आया बहुत अमेजन में साढ़े बहुत ही प्रिय साढ़े बहुत ही आयोजन है नाम मिला तो जाच जो सारा सहारा मिट्टी एक जगह दिया आज आज राम मेरा सहारा रोटी काफ़ी योगदान लाइक और अपने आज शायद वजन मिला मेरी मेरा जन्म माडल होता है मैं माडल होता ही जन्म मैं क्या चला मैं इतने का कलाकार पर शायद तुम्हें यही नहीं पता कि पतीला जी को मना वाले अज साडे विच जिहड़े शख्सियत ने शीतल बीर जी ने एक बार जोरदार ताड़ियां शीतल बीर जी ने
ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਐਸੇ ਪਟੀਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿਆਪਤੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ जीरा के गांव मंसूर देवा में गुटका साहिब के अलावा अन्य कई हिंदू धर्म के ग्रंथों के अंग फाड़कर फेंके जाने का मामला सामने आया है जिसको लेकर सिख और हिंदू धर्म के लोगों में भारी रोष पाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए गांववासी परमजीत सिंह ने बताया कि जब वो सुबह सैर करने के लिए गांव मंसूर देवा के नजदीक बनी हुई नहर पर पहुंचा तो उसने गुटका साहिब और अन्य कई हिंदू धर्म के ग्रंथों के अंग फटी हालत में नहर में खड़े पानी में तैरते हुए देखे जिसे उसके द्वारा इकट्ठा किया गया और इस संबंधी सत्कार कमेटी के अलावा पुलिस को सूचित किया गया। उसने बताया कि सभी अंग जिस लिफाफे में डालकर फेंके गए थे उसमें फेंकने वाली व्यक्ति की किताब जिसे पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। देश के अग्रणी राष्ट्रकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने सिद्ध पीठ श्री देवी तालाब मंदिर में शुक्रवार को अपना एटीएम खोला है। एटीएम के उद्घाटनी समारोह में डिविजनल कमिश्नर प्रदीप कुमार सभ्रवाल, बैंक के जोनल मैनेजर अमृताभ आनंद, सर्कल हेड हरविंदर सिंह रंधावा, डिप्टी सर्कल हेड कैप्टन जी एस बाट, सुपरिटेंडेंट अशोक वधावन खास तौर पर मौजूद रहे। समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्य मेहमान और बैंक के अधिकारियों का मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल और अन्य पदाधिकारी ने स्वागत किया। समारोह के बाद डिविजनल कमिश्नर प्रदीप कुमार सभ्रवाल और बैंक के जोनल मैनेजर अमृताभ आनंद मंदिर में नतमस्तक भी हुए। नवरात्र के सुअवसर पर उन्होंने मां त्रिपुरा मालिनी जी का परम आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्होंने जन कल्याण के लिए मां के चरणों में प्रार्थना भी की। इस बीच शीतल विज और अन्य प्रबंधकों ने मुख्य मेहमान और बैंक अधिकारियों को मंदिर के गौरवमय इतिहास से भी अवगत कराया। इस बीच उन्होंने मुख्य मेहमान प्रदीप कुमार सभरवाल, जोनल मैनेजर अमृताभ आनंद, सर्कल हेड हरविंदर सिंह रंधावा और बैंक के अन्य अधिकारियों को मां की चुनरी भेंट करके सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भक्त की रिपोर्ट। अज देवी तालाब मंदिर दे विच आ के देवी माँ के चरणों के नतमस्तक हो के बहुत आनंद प्राप्त होया है। माँ की बड़ी कृपा ली है तो माँ के चरणों के अरदास की है कि समूह संगत ते अपना आशीर्वाद
बनाए रखन ते सब हर कुछ जिहड़ा उन्हां नूं खुशियां ते खुशहालियां ते खेड़े वाली जिंदगी दे। इस दे नाल नाल मैनूं अज इत्थे आ के जिन्ना एक बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि ये टोटल जिहड़े 52 शक्तिपीठ है इंडिया के, उन्हां दे विच्चों जिहड़ा देवी तलाब शक्तिपीठ है उहदा 11वें नंबर ते आउंदा है। तो माता दे विच चरणां दे विच मैं मेरे नाल जिहड़ी सारी टीम आई पई है, GM साहब आए ने पंजाब नैशनल बैंक तों, मिस्टर बाठ ने होर इन्हां दी टीम है, तो मैं खास करके बहुत शुक्रगुजार हाँ जिहड़ी इत्थे देवी तलाब मंदिर की मैनेजमेंट है, शीतल वीर जी, बैल साहब उन्हां दे नाल, गुप्ता जी ते होर जिहड़ी टीम है उन्हां सारे दा तहे दिल तों शुक्रगुजार है जिहड़े इत्थे बहुत ही अच्छे जिहड़े प्रबंध कर रहे हैं। इहदे नाल नाल इक चीज़ होर हुई है जिहड़ी अज पंजाब नैशनल बैंक ने बिल्कुल देवी माँ दे जिहड़ा गेट है एंट्री है देवी तलाब मंदिर की उहदे नाल बिल्कुल एक ATM लगाया जिहड़ा आने वाले जिथे भगतों के लिए जदों भी किसी को जरूरत हो अपने पैसे निकालने वगैरह लिए काफ़ी मतलब जो मददगार होगा। एक मैं इस जी पंजाब नैशनल बैंक है उन्होंने बहुत मुबारकबाद दिना, ये उन्होंने बड़ा अच्छा कदम है, तो मैं एक बार फिर सारियां नूं अज के दिन से मुबारकबाद दिना है। तो अज का जो दिन है नवरात्रियां का दिन है, तो नवरात्रियां के दिन से देवी माँ सारियां ते अपनी कृपा बनाई रखे। इन्हां शब्दों के लिए मैं एक बार फिर देवी माँ के चरणों में नतमस्तक होया कृपा का जाचक। सर आज दुर्गा अष्टमी के दिन यहाँ पर देवी तालाब में जो मंदिर है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को अपना ATM खोलने का मौका जो देवी तालाब मंदिर ट्रस्ट ने दिया है, इसके लिए ट्रस्ट का हम पंजाब नेशनल बैंक की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और माता ने अपने चरणों में हमें जनता की सेवा करने का एक मौका दिया है और हम आश्वस्त करते हैं कि हम आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे और ये जो मौका दिया है इसे हमें अच्छी तरीके से हम लोग निभाएंगे। और ये माँ का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि हम लोग यहाँ पे पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक अच्छा कार्य कर रहा है और जनता से भी अपेक्षा करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक को एक सेवा करने का मौका दे। और जैसा कि अभी मुझे यहाँ पर हम लोगों ने प्लांटेशन भी किया है और कुछ और भी कार्य आगे भी यहाँ पर ट्रस्ट के साथ मिलकर काम करने की हम लोगों की योजना है, तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर निरंतर कार्य करते रहेंगे आप लोगों की सेवा में। जय माता दी। मैं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल बीर जी और समूह कमेटी वालों सब तो पहले नरात्या की तुम्हें बहुत बहुत बधाई देना। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जो आज इस शक्तिपीठ में नवरात्रों के दिन माँ के दरबार में हम नतमस्तक हुए हैं। ये बहुत किस्मत का और सौभाग्य की बात है। हमारे एक कमिश्नर साहब प्रवीण सबरवाल जी, आज उन्होंने बहुत अच्छा नेक काम किया है, ATM का उद्घाटन किया है और प्लांटेशन भी किया है। प्लांटेशन जो है वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत एक अच्छी उपयोगी चीज़ है और ATM जो उन्होंने खोला है उससे हमारे जो श्रद्धालु जहाँ इन लैक्स में आते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। उनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ATM कार्ड से अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो पैसा निकलवा सकते हैं। मैं PNB की सारी मैनेजमेंट, उनके बड़े सीनियर ऑफिसर हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ये शुभ काम श्री देवी तला मंदिर में किया है। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ ये जरूर कहूँगा कि PNB हमारा अपना बैंक है, हमारा अकाउंट PNB में है और हमको टाइम टू टाइम काफ़ी सहयोग देता रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि मंदिर में 4 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट मार्बल लगाने का शुरू हो चुका है। ये केला बैल साहब या केले प्रधान जी या मंदिर कमेटी नहीं कर सकती, ये पूरे शहर वासियों की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की सहयोग से ही ये पॉसिबल है। मैं कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, उनके भी चरणों में रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पावन काम के लिए लोगों को उत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें ताकि ये प्रोजेक्ट जो है मंदिर का वो आपके सहयोग से आपके आशीर्वाद से जल्दी पूरा हो सके। PNB के ऑफिसर बैठे हैं, वो भी हमको टाइम टू टाइम, अभी पीछे उन्होंने हमको एम्बुलेंस दिया है और बाद उस समय ये भी कहा था आगे कोई भी आपका प्रोजेक्ट होगा हम उसको टाइम टू टाइम आपकी हेल्प करेंगे। ये हमारा ये प्रोजेक्ट है मंदिर को ब्यूटिफिकेशन करने का, 1970 से ये मंदिर बना है, उसके बाद ये इतनी बड़ी अमेंडमेंट जो रेनोवेशन है वो पहली बार होने जा रही है। एक कमिश्नर साहब बैठे हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा
चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसमें लगभग 25% बाजार से रेट है। जो चीज़ बाजार में 100 रुपये की, हम 25 रुपये चार्ज करते हैं। 30 रुपये हमारे बड़े बड़े MD DM डॉक्टर हैं, 16 के करीब डिपार्टमेंट हैं, वो 30 रुपये पर्ची से, जो बाजार में 400-500 रुपये से कम कहीं भी नहीं है, वो 30 रुपये पर्ची से हम लोग गरीबों का, ज़रूरतमंदों का इलाज करते हैं। और लोगों की शादियों में भी हम हेल्प करते हैं, गरीबों की, किसी को एजुकेशन के लिए हेल्प चाहिए वो भी करते हैं, और भी जो नीडी लोग हैं, मेडिकल भी और भी जो भी नीडी लोग हैं, अभी बाढ़ें आई, रिलीफ फंड हुआ, ये हुआ वो हुआ, जो भी देश में आपदा आती है उसके लिए श्री देवीतला मंदिर के प्रधान श्री शीतल बेद जी और पूरी कमेटी हमेशा तत्पर रहती है। और सबसे पहले डोनेशन जो है वो हमारी देवीतला मंदिर के प्रधान जी और सारी कमेटी सी और सारे डिवोटीज की तरफ से पहली डोनेशन मारी जाती है, चाहे वो किसी सुनामी आई, कोई भी आई, हर तरह की रिलीफ जो है हमारी कमेटी देती है। इसलिए इस नेक काम में अपना और सरकार का उती दीजिए, अपने बैंक की उती दीजिए, और ये मौका जो है ये बार बार नहीं मिलेगा रेनोवेशन का। इसमें हम कमेटी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमको टाइम टू टाइम आशीर्वाद और मार्गदर्शन और अपना सहयोग देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, खासतौर से कमिश्नर साहब का, यहाँ पर आने के लिए बहुत हृदय से प्रबंधक कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय माता दी। शिनिक एंटरटेनर की इवेंट ऑर्गेनाइजर शिल्पा धीर ने बताया कि इस बार सुहागिनों का पर्व करवा चौथ जलंधर की महिलाओं के लिए बेहद खास और यादगार रहने वाला है। जालंधर के होटल प्रेसिडेंट न्यू कोर्ट में 20 अक्टूबर दिन रविवार को होने जा रही इस इवेंट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इवेंट ऑर्गेनाइजर शिल्पा धीर ने दैनिक सवेरा से बातचीत के दौरान बताया कि ये करवा चौथ इवेंट स्वैगी दिवस सीजन 5 की थीम पर आधारित होगी। इवेंट में और ज्यादा रोमांच भरने और इसे रोचक बनाने के लिए महिलाओं को तंबोला और कई तरह की फन गेम्स खिलाई जाएंगी। इस मौके पर उनके साथ पारुल सेठ, कुसुम भाटिया भी मौजूद रही। आगे शिल्पा धीर ने बताया कि विजेता प्रतिभागियों को कई आकर्षक और मेगा प्राइजेस भी दिए जाएंगे, तो वही इवेंट की सभी प्रतिभागियों को एश्योर्ड रिटर्न गिफ्ट भी दिए जाएंगे। इसी के साथ प्रतिभागियों के लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे, जबकि मेगा लकी ड्रॉ के विजेता भाग्यशाली प्रतिभागियों को सियालकोटी ज्वेलरी हाउस की ओर से जड़ाऊ के गोल्ड इयररिंग्स दिए जाएंगे। तो वही उन्होंने 17 अक्टूबर से पहले पहले इस इवेंट में हिस्सा लेने की इच्छुक महिलाओं से अपने पासेस बुक कराने की अपील की है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। राधे राधे एवरीवन, आई एम शिल्पा धीर फ्रॉम शाइनिक एंटरटेनर। नाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ करवा चौथ इवेंट स्वैगी दिवस एट प्रेसिडेंट न्यू कोर्ट। लाइक वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स एंड हमारे जो इवेंट है उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लाइक जालंधर में सिर्फ एक हमारा ऐसा इवेंट है जहाँ पे रैम वॉक नहीं होती। देर इज ओनली फन गेम्स, तंबोला गेम्स, लकी ड्रॉज, बम्पर प्राइजेस एंड कॉन्टेस्ट, डांस, मस्ती, फन, धमाका। एंड RJ सैंडी विल बी होस्ट ओवर देयर। ही इज द बेस्ट एंकर ऑफ जालंधर। एंड माई फ्रेंड पारुल सेठ एंड कुसुम भाटिया। पारुल सेठ इज एसोसिएटेड विद मी, so kindly please give a brief introduction. Hello, I'm Parul Seth, and from the last 2-3 years I'm associated with Shainik Entertainer. So I just wanted to tell you one thing, like what we are going to be doing in the upcoming Karwa Chauth event. Like there will be lots and lots of fun in our Karwa Chauth event, and there will be lots and lots of sponsors which are associated with us from the last 2-3 years, and some more are added in this year also. तो इस साल हमारे साथ बहुत से अच्छे अच्छे स्पॉन्सर जुड़े हैं, जो कि हम सब लेडीज के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो जो चीज़ें हमें पसंद आती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आए हैं। हर साल की तरह हम लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। लाइक हमारे साथ हमारी हर चीज़ की ज़रूरत के सामानों के साथ लाने वाली, जैसे हम बेड शीट्स हैं, कम्फर्टर्स हैं, ज्वेलरी है। ज्वेलरी की बात करें तो हमारे साथ पलक ज्वेलरी हमारे साथ है, आदिनाथ ज्वेलर हमारे साथ हैं, सियालकोटी ज्वेलर्स हमारे साथ हैं। अगर बुटीक की बात की जाए तो अजारी बुटीक हमारे साथ हैं, कृष्णा कलेक्शंस हमारे साथ हैं, जो कि अपनी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे सूट स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। सियालकोटी ज्वेलर्स हमें अपनी तरफ से गोल्ड इयररिंग्स गिफ्ट कर रहे हैं, एंड आदिनाथ ज्वेलर
हमें इटालियन ब्रेसलेट, सिल्वर इटालियन ब्रेसलेट अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं। बहुत सारा धमाल होगा, बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे, बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट्स होंगे सबके लिए। इनफैक्ट रिटर्न गिफ्ट्स होंगे जिसमें पुनीत पेकर अपनी तरफ से रिटर्न गिफ्ट दे रहा है, शाइनिंग एंटरटेनर अपनी तरफ से रिटर्न गिफ्ट सबको दे रहा है। सो वी आर द ओनली, आई थिंक हम लोग ऐसा एक ग्रुप है, एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कोई अपने घर में खाली हाथ नहीं जाता। लाइक जो आप हमारे पास टिकट लेके आओगे, हमारे पास आओगे, और यू विल बी हैप्पी कि हमने ये सब लेकर गए यहाँ से, कि अगले साल वी विल बी डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू कि आप दोबारा से हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू। सो हमारे साथ काफ़ी और भी स्पॉन्सर्स है, लाइक लाइफ स्टाइल है, आशुअन तमन्ना, वो जितने भी मेम्बर्स आ रहे हैं सबको अपने साथ एक वाउचर दे रहे हैं, दैट इज कम्प्लीट फ्री। उसके अलावा लैक्मे, जब आप हमारे से टिकट पास परचेज करेंगे तो लैक्मे का 500 का वाउचर कम्प्लीट फ्री होगा। लाइक नॉर्मली जो डिस्काउंट वाउचर्स होते हैं, दैट इज कि आप इतना लेंगे तो आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन नहीं, आफ्टर पेइंग टिकट टू अस, लाइक यू हैव टू पे जस्ट 699, उसके बाद आपको 500 का डिस्काउंट कूपन है। लाइक जब आप उनकी लैक्मे के सैलून की सर्विसेज लेने जाएंगे, यू कैन गो थ्रू देयर मेन्यू, उनकी सर्विसेज जब आप देखेंगे तो 500 के बिलो कोई भी आप सर्विस लोगे, दैट इज कम्प्लीट फ्री। एंड उसके अलावा हमारे पास छाबड़ा हॉस्पिटल है, वो अपने तरफ से पावर ब्राइटनिंग फेशियल, हाइड्रा ग्लो फेशियल कंप्लीट फ्री देंगे जो लकी विनर्स होंगे। उसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ, जो भी हमारे से टिकट्स परचेज कर रहे हैं उनको जब हम टिकट नंबर इशू करते हैं तो साथ ही हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है, उसमें डेली के डेली कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। लाइक जैसे हम अपने एक वीडियो शेयर करते हैं, उस वीडियो को अगर आप शेयर कर रहे हो तो उसी के थ्रू हम लकी विनर्स भी अनाउंस कर रहे हैं। लाइक यस्टरडे वी हैड डिक्लेयर्ड वन विनर, तो उनको हम कैटल दे रहे हैं, संजीव कपूर की कैटल दे रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे हमारे अभी ही, लाइक अभी 10 डेज पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ना कुछ उसमें कॉन्टेस्ट चल ही रहे हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, काइंडली बाय दिस पासिस, वी आर हैविंग अ वेरी लिमिटेड गैदरिंग। एंड उसके अलावा प्रेस्टीज है, वो अपनी तरफ से हमें बड़े अच्छे गिफ्ट किचन एक्सेसरीज दे रहे हैं, और द क्लास बाय तान्या सचदेवा, वो अपनी तरफ से डेकोर का सामान गिफ्ट कर रहे हैं। सियालकोटी ज्वेलर, एज यू ऑलरेडी नो, इन्होंने बताया कि जड़ों के इयररिंग्स दे रहे हैं, लैशेज एंड डायमंड्स भी हमें स्पॉन्सर करें, वहाँ पे प्रॉपर एक पर्टिकुलर फ्री नेल आर्ट स्टूडियो लगेगा। एंड बबल टाउन अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं, सोप्स के और कैंडल्स के। एंड विवेक वाटी अपनी तरफ से अच्छे अच्छे ड्रेसेस दे रहे हैं, किट्टी अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं हमें, और ऑसम कलेक्शन डिजाइनर एंड बहुत ब्यूटीफुल कॉर्ड सेट्स दे रहे हैं हमें। सो फॉलिक्स, अभी न्यू शोरूम हमारा लॉन्च हो रहा है चुनमुन के पास, वो भी अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स गिफ्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा वो वाउचर्स हमें डिस्काउंट कूपन्स दे रहे हैं, लाइक ली कूपर, बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उनके पास, उनके भी आपको हर मेंबर को डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे। बसंत, ये चिकचिक के ऑपोजिट ही बसंत है पेट्रोल पंप के साथ, वो कंप्लीट फ्री डिनर वाउचर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस डिस्काउंट कूपन्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा DRS फर्नीचर है, वो अपनी तरफ से पफिस दे रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर के तौर पे हमें सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। राजू मोबाइल एक्सेसरीज है, वो भी अपनी तरफ से स्मार्ट वॉचेस दे रहे हैं, एयरपॉड्स दे रहे हैं, PPM अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं। पुनीत बेकर, सबको जितने भी हमारे गिफ्ट मेंबर्स आएंगे सबको एश्योर्ड रिटर्न गिफ्ट्स दे रहे हैं। अप्सरा आर्ट डिजाइनर सूट्स दे रहे हैं हमें। उसके अलावा आपको प्रभ सिमरन टेलीकॉम, वो भी अपनी तरफ से मोबाइल एक्सेसरीज दे रहे हैं। स्काई इलेक्ट्रो वर्ल्ड हमारे फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स हमारे साथ हैं, मतलब मोस्टली जितने भी हमारे ये स्पॉन्सरर्स हैं, ये नहीं कि इस बार जुड़े, दे आर ऑलवेज लाइक, वो खुद ही बोल देते हैं कि दीदी हमें पूछा मत करो, आप अपने आप ही हमारी स्पॉन्सरशिप के लिए रेडी रहा करो। पलक ट्रेडर्स, ये भी हमें फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स ज्वेलरी स्पॉन्सर करवा रहे हैं। लैक्मे तो आपको ऑलरेडी बनाया, न्यू फिटनेस हमें कंप्लीट 1 मंथ का फ्री वाउचर देते हैं, बम्पर प्राइजेस भी वो स्पॉन्सर करते हैं, लाइक फ्री जिम किट देते हैं जिसकी नॉर्मल कॉस्टिंग 5000 के अराउंड होती है। एंड डाइटिशियन नेहा अरोड़ा, वो भी अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। कृष्णा हैंडलूम, अच्छी अच्छी बेड शीट्स, कम्फर्टर्स, BK हैंडलूम में टॉवल सेट्स, कम्फर्टर्स, क्विल सेट्स, एंड अजारी, वो भी अपनी तरफ से ड्रेसेस दे रहे हैं। टैटू नशा, नशा तो सबको होता ही है टैटू का, तो टैटू भी हमें 5000 का कंप्लीट फ्री वाउचर हम वहाँ पे दे रहे हैं। बॉस्टन अमेरिकन बेटर फूड, नियर PPR के ऑपोजिट ग्रिल अफेयर है, ग्रिल अफेयर पे ये भी हमें लकी विनर्स के तौर पे कंप्लीट फ्री वाउचर देंगे जो कि पूरा 1 ईयर का वैलिड होगा, दैट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 5000। सेलो भी हमें स्पॉन्सर कर रहा है, कृष्णा बुटीक इज गिविंग अस डिजाइनर सूट्स फ्रॉम देयर बुटीक, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी स्पॉन्सरर्स हैं,
तो वो भी हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाएंगे. सो प्लीज हमारे पास लिमिटेड पासेज रह गए हैं, तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एज सून एज पॉसिबल. और सबसे बड़ा मेन जो हमारा है दैनिक सवेरा, दैनिक सवेरा हमारा प्राउड पार्टनर भी है और हमारा साथ साथ में स्पॉन्सरर भी है. सो ढेर सारे हमें वो क्विल्ट्स एंड बेडशीट्स भी गिफ्ट कर रहे हैं. सो प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एज सून एज पॉसिबल. वी आर हैविंग वेरी वेरी लिमिटेड गैदरिंग, ये नहीं कि ज्यादा क्राउड है. और मेन हमारा इवेंट का सबसे बड़ा यही हाईलाइट होता है कि जो भी हमारे गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, हमारे लकी ड्रॉज होते हैं, वो हमारे मेंबर्स ही वहां से आके पिकअप करते हैं. कंटेनर हम उनके आगे करते हैं ऑडियंस के, कोई हमारी जजमेंट नहीं होती, कोई वहां पे जजेस नहीं होते, हमारी ऑडियंस ही हमारे लिए जज होती है. वही हम रैंडमली किसी को भी बोलते हैं आप आइए स्टेज पे, स्टेज पे आके वो टिकट निकालते हैं, जिसका भी होता है अनाउंस भी वही खुद ही करते हैं. सो यही ब्रीफ था, थैंक यू सो मच. श्री अमृतसर साहिब के संस्थापक चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व 19 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस संबंध में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से विशेष समागमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से श्री दरबार साहिब के गलियारों में आते दुकानदारों, रेहड़ी फड़ी वालों, रिक्शा और ऑटो चालकों को इस समागम संबंधी निमंत्रण पत्र दिया और लड्डुओं का प्रसाद बांटा गया. इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सचिव भाई राजेंद्र सिंह मेहता, संत बाबा सुखविंदर सिंह जी भूरी वाले, धर्म प्रचार कमेटी के सदस्य अजायब सिंह अभ्यासी सहित अन्य पंथक व्यक्ति, श्री दरबार साहिब और शिरोमणि कमेटी के अनेकों अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान सभी दुकानदारों को इन समागमों में भाग लेने और सहयोग करने की अपील की गई. अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. धन धन श्री गुरु रामदास के प्रकाश गुरपुरब में समर्पित सचखंड श्री हरिमंदर साहब वालों समूह संगतां दे सहयोग नाल जो गुरु साहब ने, गुरु रामदास साहब ने इस शहर च श्री अमृतसर शहर दे विच उस समय 52 कितेकार बसाए सन. अज वह 52 कितेकारां नूं मुख रखते हुए जिहड़े मठियाई दे डब्बे ने जो पिछली रूटीन आ उहदे मुताबक सचखंड श्री हरिमंदर साहब वालों साडे समूह मैंबर साहिबान, साडे सकत्तर साहिबान, वो असीं सारे जाणे अज उहनां नूं नाले लड्डूआं दे डब्बे दे रहे हां, नाले उहनां नूं न्योता भी दे रहे हां. आओ असीं 18 अक्टूबर नूं जिहड़ा नगर कीर्तन आ ते 19 अक्टूबर नूं श्री गुरु रामदास जी दे प्रकाश गुरपुरब समर्पित जिहड़े गुरमत समागम हो रहे ने, आओ आपां परिवारां समेत इन्हां गुरपुरबां विच शामिल होईए ते खुशी दीआं गुरु दीआं खुशियां लईए. सारी संगत नूं धन धन श्री गुरु रामदास दे प्रकाश गुरपुरब दीआं लख लख वधाईआं होण जी. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह. सरोवर नाते सब उतरे पावक माते, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे. ऐसे पातशाह साहब श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश गुरपुरब हर साल की तरह इस साल भी 19 अक्टूबर सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे संगतां दे सहयोग नाल मनाया जा रहा. 18 तरीक एक विशेष नगर कीर्तन हर साल की तरह जिहड़ी शहर की बाहरली चार दुआरी है उहदे उस रस्ते दे हुंदा आया शाम नू श्री अकाल तख्त साहिब विखे संपन्न होगा. उस दिन रात नू पड़ताल कीर्तन दरबार होगा जिस विच उच्च कोटि दे रागी ढाडी कविशर रागी ढाडी जिहड़े ओह संगतां नू गुरु जस सुना के निहाल करनगे. 19 तरीक नू सवेरे जलौस सजाया जाऊगा जिहड़ा 9 बजे तो लग के 12 बजे तक ये जलौस सजेगा. उस तो उपरंत गुरद्वारा मंजी साहब दीवान वाले विखे जिहड़ी सवेर की कथा होंदी है मुख वाक की, उस उपरंत जिहड़े समागम मंजी साहब शुरू होणगे जो लगभग सारा दिन चलणगे, जिस विच भी जिहड़े अपने रागी ढाडी कविशर अते प्रचारक वो गुरु जस सुना के संगतां निहाल करनगे. इसे दिन जिहड़ा आतिशबाजी अते दीपमाला कीती जाऊगी. शाम नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे सामने जिथे ढाडी सिंह ढाडी दरबार लगता है उस दिन उत्थे रैन सभाई कीर्तन दरबार होगा जिस विच
भाई पिंदरपाल सिंह जी कथा सुना के संगतां नूं निहाल करनगे। मैं मानजो प्रधान साहब वालों इस गुरपुरब की वधाई दिना। समुचे ही सिख भाईचारे नूं बेनती करदा कि उस दिन वध चढ़ के गुरु घर के दर्शन करन, ते खास तौर पर सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे आप अते अपने बच्चों नूं लै के गुरु महाराज के दर्शन करन, अते उन्हां नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहब का इतिहास, श्री अकाल तख्त साहब का इतिहास, जां जिहड़े अंदर हरिमंदर साहब च गुरुद्वारे साहिबान ने उन्हां दा इतिहास दसन, तां जो बच्चों नूं पता लग सके कि ये इतिहासक स्थान ने ते इत्थे की वापरिया है। 1984 का साक आया, अकाल तख्त साहब किदां ढह ढेरी होया, सारे साके दसे जा सकते हैं। नव दुर्गा रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के अंतिम दिन कलाकारों ने भगवान राम और रावण के बीच युद्ध का मंचन किया। इस अवसर पर अभिमन्यु घई, गौरव कनौजिया और यशपाल ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री देवीतलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के सेवादार रमन शर्मा, प्रधान डॉक्टर सीताराम, राम सिंह, दीपक सूरी, सुशील शुक्ला, विक्रमजीत वर्मा, रमेश मिश्रा, महिंदर राय, सूर्यनाथ यादव, हरिराम प्रजापति, वीपी गुप्ता, अशोक मिश्रा, प्रेमचंद सैनी, बबलू शर्मा, दिनेश कुमार, अवधेश अरुण पाल सहित कमेटी के सदस्यगण भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। अमन शर्मा जी का पूरे जालंधर के नहीं बल्कि पंजाब के मंदिरों में जाकर संपर्क करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सभी मंदिरों में जा जाकर रामनवमी, जन्माष्टमी और शिवरात्रि की शोभा यात्रा के लिए आप सभी लोगों को निमंत्रण देते हैं और बहुत बहुत सुंदर झांकियां जो शक्ति पीठ देवीतलाब मंदिर से निकलती है वो देखने लायक होती है, तो इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और मैं आज आखिरी दिन में हलचल चैनल और दैनिक सवेरा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और संदीप शर्मा जी और सुदेश भगत जी, जो के आप सभी का लाइव टेलीकास्ट करते हुए और दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जो आप मंचन देखते हैं, इस मंचन को आप तक ही नहीं बल्कि पूरे जालंधर पंजाब तक पहुंचाते हैं, तो इसलिए इनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं और इनका धन्यवाद करता हूं। तो एक बार फिर, क्योंकि बोलने लायक तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम बहुत कम है, तो मैं अपनी तरफ से नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का और आपका, खास करके आपका, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो हम अपने मंचन दिखाते हैं, अगर देखने वाला कोई नहीं होगा तो करने वाले का क्या फायदा है। माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्बा पिंचौंग जालंधर में श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रूपम प्रभाकर से विधिवत पूजन के बाद हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई, जिसके बाद सिद्ध माँ बगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित प्रभु भक्तों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए भक्तों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सच्चा संत वही है जो सहज भाव से विचार करे और आचरण करे, जब उसका मान हो तब उसे अभिमान ना हो और कभी उसका अपमान हो जाए तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, नवदीप, उदय, अजीत कुमार, नरेंद्र, रोहित भाटिया, अमरेंद्र सिंह, बाबा खन्ना,
विनोद खन्ना, प्रिंस कुमार, पप्पू ठाकुर, बलदेव सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नजदीक गाखला पुल जालंधर की तरफ से चल रहे शारदीय नवरात्रों के अवसर पर साप्ताहिक माँ बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह, षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई, जिसके पश्चात दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष्य में कन्या पूजन किया गया, जिसमें नन्ही कन्याओं का विधिवत ढंग से पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस मौके पर संजीव बजाज, मरवेश कपूर, नीरज कपूर, राजेश शर्मा, रोहित बहल, संजीव चड्ढा, डॉक्टर जसबीर अरोड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा, मुनीश हांडा, विजय हांडा सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बगलामुखी माई दा बोल साचे दरबार की जय। आज राजमिस्त्री कामाख्या देवी मंदिर के अंदर नव दुर्गा नवरात्रों के पूजा के बाद आज हवन संकल्प हवन संपूर्ण करने के बाद पंचकों का पूजन किया गया है, जिसमें अपने सारे मुख्य समिति के जितने भी सदस्य है शामिल हुए हैं और सब कन्या पूजन को आशीर्वाद माई का मिला है। नकारा बगलामुखी माई दा बहुत साके और सारा मोहल्ला निवासी कोर्ट सदी काफला और सारे मेंबर कमेटियां दशहरे दिया बहुत बहुत शुभकामनाएं और महारानी अजय कृपा सबके बनाई रखे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माँ बगलामुखी महाराज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाखला पुल जालंधर में नवरात्रों के शुभ अवसर पर महामाई का 9 दिन हवन किया गया। उसके उपरांत आज रामनवमी है, नवमी के उपलक्ष्य में आज हवन के पश्चात में कन्याओं का पूजन किया गया और कन्या पूजन के उपरांत महामाई का भंडारा भी किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने जो मंदिर कमेटी के मेंबर हैं उन सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। सभी जो भी सेवादार हैं उन सभी ने हिस्सा लिया और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुरा मालिनी धाम में शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम माँ त्रिपुरा मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया। इस अवसर पर भजन गायक सिकंदर बादशाह एंड पार्टी ने माँ की मधुर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित माँ भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद, सुनील अरोड़ा, यश चड्ढा ने गायक सिकंदर बादशाह को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। Thank you.
असत्य पर सत्य की जीत और अहंकार तथा बुराई के नाश का प्रतीक पर्व विजयदशमी साईदास स्कूल पटेल चौकी ग्राउंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। अंत में जय श्री राम के उद्घोष ने वातावरण को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस दौरान आतिशबाजियां सबके आकर्षण का केंद्र रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। अहंकार और बुराई के नाश का प्रतीक पर्व विजयदशमी जालंधर वासियों की तरफ से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के तहत उपकार दशहरा कमेटी आदर्श नगर जालंधर में भी दशहरा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक बाबा हेनरी, आप नेता रोबिन सांपला, हिंद क्रांति दल के मनोज नन्ना ने शिरकत कर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एडवोकेट रवि विनायक, आप नेता प्रदीप खुल्लर, कमल किशोर सिक्का, मुकेश सेठी सहित असंख्य राम भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। मैं एडवोकेट रवि विनायक आज सारे देशवासियों नूं दशहरे दीआं बहुत बहुत मुबारकां देना हाँ। और साढ़े इत्थे जिहड़ा उपकार दशहरा क्लब वालों 44वां दशहरा मनाया जा रहा है, वह बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। मैं सारे ही लोगों नूं एक बारी फिर दशहरे के उपलक्ष्य दे विच सारे देशवासियों नूं मैं अपने पूरी कमेटी वालों दशहरे दीआं बहुत बहुत मुबारकबाद देना हाँ। धन्यवाद जी। भगवान शिव मंदिर रामलीला वेलफेयर क्लब जालंधर की ओर से लाडो वाली रोड कीर्ति नगर में दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आतिशबाजों ने आतिशबाजी कर सबका मन मोह लिया। वहीं भगवान श्री राम और रावण के युद्ध का मंचन किया गया, जिसके पश्चात क्लब के सदस्यों ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अग्नि भेंट किया और बदी पर नेकी की जीत की सबको बधाई दी। इस मौके पर अश्विनी शर्मा, राजकुमार चौधरी, प्रवीण हांटा, नरेश ठठई, सुरेंद्र आनंद, बंसीलाल नारंग सहित कई लोग मौजूद थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। ऐसे ही कच्चे कच्चे चुबाई जाओगे, जितने लगाने हैं लगा लो, सभी मारे जाएंगे। लक्ष्मण, आज मैं ही तेरा सर्वप्रथम स्वागत करूंगा और मेरे इस तीरों से तेरा सीना छल्ली छल्ली करूंगा। लाश तेरी के टुकड़े उड़ाना तू आकाश में, तो मैं पिता रावण का पुत्र नहीं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर महानगर में धूमधाम से मनाया गया दशहरा पर्व दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया रावण दहन। अमृतसर देहात पुलिस ने गत माह निजी बैंक में लाखों रुपए की लूट करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 32 बोर की पिस्तौल की बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियारों समेत किया गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।